कांग्रेस की एक निगम पार्षदा जो के ओखला से है, नाजिया दानिश, उनको हज कमेटी का मेंबर बना, दिल्ली को छोड़कर हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में महिला को हज कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया जाता है। अभी तो इन्होंने शपथ भी नहीं ली थी, जब तक इन्होंने शपथ नहीं ली ये मेंबर कैसे बन गई हज कमेटी की। एलजी साहब जिस तरह से हज कमेटी बना रहे हैं, दिल्ली के ही मुसलमान नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि शपथ लिए बगैर ही एलजी साहब ने उनको हज कमेटी का मेंबर बना दिया। जब एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी तो अचानक एक बात सामने आ जाती है कि कांग्रेस के सभी निगम पार्षद वॉकआउट कर गए। वॉकआउट करने की जो बात सामने आई, वॉकआउट तक तो समझ में आती है, लेकिन शाम को ही पता चलता है कि कांग्रेस की एक निगम पार्षदा जो कि ओखला से है, नाजिया दानिश, उनको हज कमेटी का मेंबर बना दिया जाता है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी भी स्टेट में कोई भी कमेटी या कोई भी मेंबर या चेयरमैन वहां की चुनी हुई सरकारें बनाती हैं, ना के गवर्नर और लेफ्टी गवर्नर बनाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर नहीं बनाते, वहां की चुनी हुई सरकारें बनाती हैं। जनता सरकारों को इसीलिए चुनती है। चलिए, इन्होंने मेंबर बना दिया, समझ में आया कि भाई एक तो इन्होंने गैर कानूनी काम करा। हज एक्ट में, जो हज एक्ट 2002 है, उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि निगम पार्षद की मेंबर के तौर पर मुस्लिम निगम पार्षद की नियुक्ति तो हो सकती है, लेकिन ये जो मोहतरमा थी, अभी तो इन्होंने शपथ भी नहीं ली थी, जब तक इन्होंने शपथ नहीं ली ये मेंबर कैसे बन गई हज कमेटी की। सबसे बड़े अफसोस की बात कि ये इतना गैर कानूनी काम कि शपथ लिए बगैर ही एलजी साहब ने उनको हज कमेटी का मेंबर बना दिया। और दूसरी बात, अभी तक हमारे हिंदुस्तान में दिल्ली को जो हो रहा है, दिल्ली में, दिल्ली को छोड़कर हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में महिला को हज कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये एक धार्मिक कमेटी है। हज यात्रा एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है जो मुसलमान पर जिंदगी में एक बार ही फर्ज होती है। संविधान को ये नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मानते, इनको तो तकलीफ होगी इन चीजों से। ये बीच में इस तरह की बाधा तो डालेंगे ही। तो अध्यक्ष जी, वो मैं कहना चाह रहा था, वो भी तो हेडिंग क्या है इसका, सब्जेक्ट का हेडिंग क्या है अध्यक्ष जी, जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से एलजी साहब ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार के बगैर ये हज कमेटी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें भी एक महिला को चेयरमैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे इस्लाम धर्म में कोई भी सफर जो के जिसमें मुसाफिर आदमी हो जाता है, कोई भी महिला बगैर महरम के नहीं कर सकती। अगर हमारे दिल्ली के हज यात्रियों को सऊदी अरब में कोई ऊपर वाला न करे, कोई समस्या पेश आ जाती है, तो अगर ये महिला को चेयरमैन बनाएंगे तो वो बगैर महरम के कैसे सऊदी अरब जाएगी। अब ये कंक्लूड कर रहा हूँ अध्यक्ष जी, ये कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं और इनके आका कह रहे हैं कांग्रेस के, हमने तो ना बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं ना हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ, पिछले से पिछले बार महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार नहीं बन रही थी तो बीजेपी ने बस एक मिनट का टाइम लूंगा, बीजेपी ने सदन में अपना विश्वास मत पारित करने के लिए जब सदन बुलाया तो वहाँ दो जो विधायक थे वो एमआईएम के थे, एमआईएम के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और एक वोट से बीजेपी की सरकार बन गई थी। तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि इनका जो वॉकआउट करना है, ये एमसीडी के अंदर ये जो कमेटियां हैं स्टैंडिंग कमेटियों को बनवाने के लिए ये वॉकआउट कर रहे हैं कांग्रेस वाले, और गैर कानूनी तरीके से एलजी साहब जिस तरह से हज कमेटी बना रहे हैं,
दिल्ली के ही मुसलमान नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने माध्यम से एलजी साहब को ये गैर कानूनी काम करने से रोकिए। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।